हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानने वाले हैं इन्फिनिक स्मार्ट 3 प्लस के बारे में और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रिक में आपको बताने वाले हैं कि आप इन्फिनिक स्मार्ट 3 प्लस में पिक्चर इन पिक्चर मोड कैसे ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जो है पिक्चर इन पिक्चर ऑन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप इसे कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं। और इसे कैसे ऑन करना है तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे होंगे ऐप एंड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐप स्पेशल ऐप एसेस। स्पेशल ऐप एसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर इन पिक्चर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीडियो वाले ऐप हैं, तो यहाँ से आप इन्हें अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं और वीडियो देखते देखते आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें अगले ट्रिक की, तो यहाँ पे आप इस फोन में अपने इंटेलिजेंस वॉइस नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो ये जो है ऑटोमेटिकली स्पीक करके आपको बता देगा कि कौन सा मैसेज आया हुआ है और किस ऐप पे आया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना है जस्ट सेटिंग पे। तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटेलिजेंस वॉइस ब्रॉडकास्ट, वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो यहाँ पे हॉट न्यूज को भी ये पढ़ के आपको दिखा सकता है, और अगर कोई इनकमिंग कॉल आ रही है उसे भी ऑन कर सकते हैं और आपको ये स्पीक करके बता देगा कि किसकी कॉल आपके पास आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम अगली ट्रिक की बात करें तो वो है स्मार्ट पैनल की। इस स्मार्ट पैनल को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में, तो वहाँ पे आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्मार्ट पैनल का ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऊपर से इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसके नए अपडेट की बात करें तो वो हमें अभी भी देखने को नहीं मिला है। जैसा कि करीब 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं, उसमें हमें अभी भी नया अपडेट देखने को नहीं मिला है, जिससे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे हमें अभी भी इसमें जो है नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपडेटेड वर्जन है वो हमें May 5, 2019 का देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो कि हमें जो फ़ोन खरीदने के बाद ही अपडेट देखने को मिला था। और बात रही यहाँ अगर किंग रूट की, तो किंग रूट को आप जैसे ही अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी। ओपन होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये वार्निंग देखने को मिलेगी कि ये अनसेफ है। तो यहाँ पे परफेक्ट 100% क्लियर वार्निंग है, ये बिल्कुल ही अनसेफ है। और यहाँ पे अगर आप रूट अपने फ़ोन को रूट करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे मालवेयर और स्पाइवेयर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने लगेगा और आपके जो डेटा है प्राइवेसी वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसे रूट करने के बाद आप अपने फ़ोन को, कोई सा भी फ़ोन हो, उसे रूट करने के बाद अनरूट जरूर कर दें, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो किंग रूट का ये वर्जन है ये जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये जो ऐप है ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे इसके लिए हमें ओल्डर वर्जन किंग रूट का डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे हम इंस्टॉल